बाबा भगवान नहीं है, ये अपने दिमाग से निकालिए। भगवान राम हर एक के भगवान, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, अमेरिकन हो, रूसी हो, जो मानने वाले, जिसे हम कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी के केंद्र में आते ही कश्मीर की फिजा बदल गई। विकास की ओर कश्मीर अग्रसर हो रहा है तो नेताओं के भी हाव भाव बदल रहे हैं। जो नेता धारा 370 हटने पर आंखें दिखा रहे थे, वो आज अपनी बयानबाजी में बड़ा बदलाव ला चुके हैं। राम मंदिर पर आए फैसले पर सवाल उठाने वाले लोग भी आज प्रभु श्री राम के शरण में पहुंच चुके हैं। वहीं ये हाल सिर्फ कश्मीर के नेताओं का नहीं है, बल्कि पूरे देश के नेताओं का कुचला है। जो कभी रमजान में इफ्तार पार्टियां करते थे, वो आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। जी हां, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के गीत गाने वाली महबूबा मुफ्ती पुंछ के नौग्रह मंदिर पहुंची थी और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। और अब वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया है कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के ही भगवान नहीं है, वो सबके भगवान है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। भगवान राम सिर्फ हिंदू का भगवान नहीं है, अपने दिमाग से निकालिए। भगवान राम हर एक के भगवान, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, अमेरिकन हो, रूसी हो, जो मानने वाले, जिसे हम कहते हैं, हम अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, आलमों का रब, वो मुसलमानों का ही रब नहीं है, वो सबका रब है। और एक बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर भी अभी गुजरे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कुरान शरीफ की 7 जिल्दों में उन्होंने तफसीर लिखी है। उस तफसीर में वो खुद बयान करते हैं मौलाना असरार, और उसमें कहते हैं वो कि तुम लोग ये याद रखो कि भगवान राम जो हैं वो भी अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए हैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। ये जो आपके सामने आते हैं, हम ये राम के पुजारी हैं, बेवकूफ लोग हैं, ये राम को बेचना चाहते हैं। इन्हें राम से कोई मोहब्बत नहीं है, इन्हें हुकूमत से मोहब्बत है। तो सुना आपने फारूक अब्दुल्ला जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि सबके हैं। अब आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी शिवलिंग पर जल चढ़ाती नजर आई थी, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही आपको बताया। अब आपको वो भी वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। चलो ठीक है।